विभू देखो तो, कौन आया मेरे घर के द्वारे, घंटी की घनकार बेबी मेरे हाथ आटे में है। अजी तुम देख लो कौन आया है घर पे। घर का सारा काम मुझ पे छोड़ देता है विभू। बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन अरे सब आप अचानक। अब बहन जी वो लड़के के सिक्का सगाई के लिए आया था। बहन जी लड़के की सिक्का सगाई? अरे लेकिन लड़का यहाँ कहाँ है? वो तो मौसी के साथ बबराले में है। हमने तो नहीं यही देखा था। यहाँ देखा था? What happened baby? मैंने कहा ना मेरे हाथ आटे में है, क्या हुआ? Oh God. लीजिए ये आ गए। What? यही तो है वो जिन्होंने हमको पसंद कर लिया है और हमने इनको पसंद कर लिया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बहन जी? भैया हमें बहन जी बोल रहे हैं। जीजा इन्हें क्यों बहन जी बोल रहे हो? तो क्या बोलाऊं, माता जी? नहीं जीजा, बहन जी तो ये है तुम्हारी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, बीवी हूं मैं इनकी, ये हस्बैंड है मेरे। बहन जी आप समझी नहीं, हस्बैंड तो ये लल्ली के होने वाले हैं। क्या आप पागल खाने से छूट के आए हैं? नहीं नहीं आप समझे नहीं, पागल खाने से नहीं, जेल खाने से छूटा हूं। एक महीना पहले दरअसल हुआ क्या, मेरी लल्ली को एक लड़के ने धोखा दे दिया, इसका दिल तोड़ दिया। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत मान में नवल की, लेकिन वो नहीं माना तो लल्ली ने अपनी हाथ की नस काट ली। लल्ली दिखा। God. फिर हमने उसको टहला दिया। टहला दिया मतलब? ऊपर। भैया अगर इन्होंने हमें धोखा दिया तो हम अपने हाथ की नस काट लेंगे। अरे लल्ली तू क्या चाहती है, क्या हम इनको भी टहला दे ऊपर? अरे थोड़ा सबर रख। देखिए भाई साहब मैं टहले में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। As you can see मैं एक बहुत ही शरीफ किस्म का आदमी हूँ। देखिए। वाह जीजा, लल्ली ने हमको सब कुछ बताया कि लल्ली के साथ सरे आम डुएट सॉन्ग गा रहे थे। और अब शरीफ बनने हो जीजा? विभु तुमने इनके साथ डुएट सॉन्ग गाया? एक्चुअली इन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने एड्रेस तरनू बता दिया। वाह जीजा, है? गाना गा के कोई एड्रेस बताते जीजा? अरे भाई साहब एक्चुअली हुआ क्या कि हमने यहाँ पर ना एक म्यूजिकल अभियान छेड़ा है। या। नहीं नहीं इन्होंने मेरी बहन को छेड़ा है। अब तो इनको मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। अरे लेकिन भाई साहब आप समझ नहीं रहे, ये मेरे हस्बैंड हैं। तो कोई बात नहीं है, आप इनको तलाक दे दो। और जीजा जी ये रहा शगुन, और आप शादी की तैयारियां शुरू करिए, हम लोग फिर आते हैं। आ जाओ लल्ली। नस काट लेंगे। हाँ आ जाओ लल्ली, चल चल लल्ली चल। हदिया भूखे, ये भूखे कौन रख कर गया है? अच्छा ठीक है, सुनिए लड्डू के भैया, लड्डू के भैया सुनिए। अरे का है पगली, चिल्ला का रही हो? ये देखिए ना, हमने दरवाजे पर कोई भूखे रख कर गया है। अरे वो भूखे नहीं भूखे होता है पगली। सही पकड़े हैं। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। क्या ठीक है, चिट्ठी आई है तो पहले पढ़ तो ले का लिखा है चिट्ठी में। मेरी प्यारी जाने मन अंगूरी,
किस बदतमीज आदमी ने चिट्ठी लिखी है? हमको ना ही पता, हमको ना ही पता। ठीक है रुको, पढ़ने दो आगे। नहीं पता, नहीं पता। जब से तुम्हारी सुरीली आवाज सुनी है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। चुप रहो। तुम जितनी हसीन हो उतनी ही तुम्हारी आवाज भी हसीन है, लगता है जैसे कोई गरारे की हुई कोयल गा रही हो। सही। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती और वो ये कि ये तुमने किस छुट्टे बैल से शादी कर ली। क्या देख लिया तुमने उस कौए में? जब वो तुम्हारे साथ होता है तो लगता है जैसे लोमड़ के साथ हिरणी चल रही है। तुम फौरन उस लीचड़ आदमी को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे सुर उससे बिल्कुल नहीं मिलते। कहां वो बेसुरा बैल और कहां तुम सुरीली हिरणी। तुम्हारे प्यार के इंतजार में बालू शंकर खस उठे। वो आदमी हमारे बारे में इतना भला बुरा कह रहा है और तुम थैंक यू बोल रही हो। नहीं नहीं लड़ू के भैया, वो हमारी आवाज की इतनी तारीफ कर रहा है ना, इसलिए हम उनको थैंक्यू बोल रहे हैं। अरे हट, थैंक यू बोल रहे हैं तो बॉडम महिला। अरे भूखे भूखे भेज दिए। अनु यार, तुमने ये क्या तोता पलवा दिया है यार। मैंने तोता पाला है कि तुमने तोता पाला है? तोता मैंने पाला है, मैंने पाला तोता। क्या जरूरत थी उस औरत को गाना गा गा के एड्रेस बताने की? हर आदमी गाना गा कर बात करेगा, ये आइडिया किसका था? इट वाज नॉट माइन। अच्छा ठीक है ना, रिलैक्स करो रिलैक्स करो, इतना ज्यादा भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। स्ट्रेस ना लो, जिंदगी में इतना बड़ा मसला हो गया, मैं स्ट्रेस ना लू क्या? नाचू गाऊ? नाचने की जरूरत नहीं है, गा सकते हो। इस गाने की वजह से इतना बड़ा जिंदगी में बैंड बजा है, अब मैं जिंदगी भर नहीं गाऊंगा। गाने की वजह से बैंड नहीं बजा है, गलत पार्टी को गाना सुनाने की वजह से बैंड बजी है, वरना हम कितना एंजॉय कर रहे थे। देखो यार, मेरा ना झगड़े का मूड है, मैं इस वक्त गाना नहीं गा सकता। I'm sorry. I'm really, really sorry. ठीक है, गा के झगड़ा करो। गाओ, सिंग। ओके ठीक है। अनीता तुझे मेरी कदर ना आई, अनीता तुझे मेरी कदर ना आई, पति को तूने पति ना समझा, पति को तूने पति ना समझा, समझा काम वाली बाई। अनीता तुझे मेरी कदर ना आई। ओ विभूति बड़ा दुख दीना, तेरे नल्ले पन्ने बड़ा दुख दीना, मैंने कितना समझाया कुछ काम ना आया, तू तो बहुत ही बड़ा कमीना, बड़ा दुख दीना। हैंग ऑन, तुम ये झगड़ा कर रही हो मुझसे, मेरी बेइज्जती कर रही हो, जलील कर रही हो मुझे, ये कमीना विभूति, I don't like it. वो प्लीज कॉमन सेंस यूज करो, काफिया मिलाने के लिए बोलना पड़ता है। ओके तो ठीक है, मैं भी मिलाऊंगा काफिया। झिमर कली तू है बड़ी, झिमर कली तू है बड़ी, देख 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 मुझसे पंगा न ले, मैं हूं एक सीधा साधा बंदा, तू छेला अंडा। एक और आया, काइया वाला काफिया, सुनाओ। कोई जरूरत नहीं है, हो गया झगड़ा।
मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाती हूँ। यार कानपुर में क्या कोई गुंडा राज चल रहा है? कोई भी मेरे घर आ जाता है, कहते हैं अपने पति को डिवोर्स दे दो, तुम्हारे पति से शादी करनी है। पतियों की लूट मची है क्या? आई स्पीक टू द कमिश्नर। यार मलखान। हाँ बोल। यार बहुत दिन आ गए, कोई अच्छी सी लौंडिया ना छेड़ी यार। यार टीका बिल्कुल सही कह रहा है यार, तूने तो दिल की बात छीन ली। सोच अगर सुर में लौंडिया छेड़े तो कितना मजा आओगे। वैसे भी आज तक हमने छिछोर पने में लड़कियां छेड़ी है, इसलिए आज तक लड़कियां न पटी। यार टीका बिल्कुल सही कह रहा है, हो सकता है सुर में लौंडिया छेड़ने से लौंडिया पट जाए। हाँ यार बलखान। हाँ? देख कितो बढ़िया माल आ रहा है यार। एरी छोरी गोरी तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। हो एरी छोरी गोरी तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। बाहें तेरी जैसी कोई ट्यूबलाइट, मांझो हूँ तेरो मैं और तू है मेरी काइट। हिरनी जैसी मस्ती वाली है तेरी चाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। बेशरम हो तुम कितने कितने हो घटिया, आज मैं खड़ी कर दूंगी तुम लोगों की खटिया। इतना कूटूंगी मैं कर दूंगी तुम्हें निढाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। ओ कहां फंस गया मैं, कहां फंस गया यार। गोरी मैम घर में है का? अरे दादा आइए आइए दारोगा जी आइए। अरे दादा अर छोड़ो रोनो धोनो वासे का है होनो, जे तो किस्मत को लेखो है तलाक तो है होनो। तलाक तो है होनो, तलाक तो है होनो। किस तरह के दारोगा हैं आप, हमारी हेल्प करने के बजाय आप ऐसी मनहूस बातें कर रहे हैं। बताइए कितनी शावर खाई आपने, कितनी निछावर खाई आपने उस भैंगे चुट्टन से? यार ये का फालतू की बातें कर रहे हो तुम? अरे भैया विभूति हम कसम खा के कह रहा यार, हमने एक नौ पैसा नहीं लाऊ है, कौन निछावर नहीं खाई है यार। अरे अप्पू सिंह जी अच्छा हुआ आप आ गए। अरे गोरी में बैठो बैठो बैठो। अप्पू सिंह जी एक गुंडा और उसकी बहन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अरे वो गुंडे का क्या नाम था? छुट्टन। हाँ और उसकी वो जो बहन है बिट्टन। हाँ बिट्टन, वो चाहती है कि मेरा और विभू का तलाक हो जाए और वो विभू से शादी करना चाहती है। ऐसे है गोरी मैम, वो कहा कि कमिश्नर साहब ने हमें पूरा किस्सा पूरा बता दो है। जे छुट्टन जे छुट्टन पीछे पड़ गयो रे, अब का करिए का करिए रे। जो भी करना है तुमको करना है, जो भी करना है तुमको करना है, हमको छुट्टन से तुम्हें बचाना है।
चाहे लाख कोशिश कर लें, कितनों दम चाहे भर लें, जे छुट्टन ना मानोगो चाहे वाके पांव पकड़ लें। आप दोनों होंगे जुदा, हाँ जुदा, कसम प्रेग्नेंट बीवी की। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखा ना, ये छुट्टन का अरेस्ट कराने के बजाय हमारा तलाक कराने पे आमादा है ये आदमी। अरे यार बा को भुइया अरेस्ट कर ले, तुम्हें पता है बा भेंगा की पहुंच कितनी ऊपर तक है? क्या मतलब? अरे मतलब जो गोरी मैम के आपने वो मशहूर नेता है वो भुल्लन बा को नाम सुनो है? नहीं सुना। बहुत बड़ो नेता है गोरी मैम, बहुत बड़ो नेता है। और जो छोटन सारो बा को चमचा है, छोटन ने पूरी बात बता दी ये भुल्लन को, भुल्लन पीछे पड़ गए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब हम जो कहना चाह रहे हैं कि भोलन ने बड़ा प्रेशर दे दिया हुआ है कमिश्नर साहब पे। अब आप दोनों को अगर तलाक ना भाओ तो कमिश्नर साहब की वर्दी उतर जाएगी, और तो कमिश्नर साहब हमारी वर्दी उतार देगो। जब वजह से गोरी मैम, वो कमिश्नर साहब ने हमें आप दोनों के पास भेजे हुए कि हम आप लोगों को मनाए, आप दोनों आराम से प्यार से तलाक ले लो बस। और जब तलाक आपको हो जाएगा तो फिर आपको का प्रोग्राम है बाद में? ये क्या बका भी आपने, क्या बका? पप्पू सिंह जी, आपको इतनी घटिया बात बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे गोरी मैम जी, जी जी हम थोड़ी कह रहे हैं जी, तो हमारे कमिश्नर साहब कह रहे हैं। अच्छा लाइए फोन, मैं अभी कमिश्नर साहब से फोन पे बात करती हूँ। अरे ठहर जा गोरी मैम। अरे कमिश्नर साहब इतने शर्मिंदा है कि उन्हें अपना फोन तक बंद कर लो है। और हम भी शर्मिंदा है। तभी आप बैठे बेशर्मों की तरह, जाइए यहाँ से मनुसूरत लेके अपनी। अरे यार जा रही है ना, इतना तुनक कह रहे हो, लेकिन तलाक की लाने तैयार रही हूँ बिल्कुल। अरे दादा, सोचा था क्या क्या हो गया, हो जब तक है जाने जहां मैं लड़ूंगी। तलाक की नौबत आ गई और ये मुर्कियां ले रही हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, वाह वाह, क्या रबड़ी है, ओहो। अपने लिए भी तो बचा के रखो ना पगली, हम तो सब रगड़ जाएंगे। नहीं नहीं, वो हमको खिला दिए। कौन खिला दिए पगली? वही जो हमारी आवाज के फोन है। वो फोन नहीं, फैन होता पगली। सही पकड़े हैं। किस फैन की बात कर रही हो पगली? अरे रबड़ी कौन लेकर आया? वही बालू शंकर खसोटे। कुछ छिचोरा लेके आए रबड़ी? और तुम तो कह रही थी तुम वो जयप्रकाश हलवाई के यहाँ से लेके आई हो। अजय लड्डू के भैया, ये रबड़ी तो जयप्रकाश हलवाई के यहाँ का ही है, लेकिन हम ना ही लाए हैं, वो बालू शंकर खसोटे जी लाए हैं। आपको बताया वो हमको अपने हाथों से खिलाए और बोले हमको कि रबड़ी खाने से ना गला और भी सुरीला होता है। रबड़ी खाने से ना गला और भी सुरीला होता है। ये सब कुछ ना अन्नू की वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ। क्या हुआ भभूति जी, इतने छिले छिले से काय लग रहे हैं? क्या जिंदगी दांव पे लगी, आप बोल रहे छिले छिले से काय को लग रहे हैं? दांव पे? वो कैसे? ओ, अन्नू का आइडिया था ना कि वो हर चीज संगीत में कही जाए। हाँ आइडिया तो भाभी जी का ही था। उनका जो आइडिया था ना भारी पड़ गया। वो कैसे? मैं घर के बाहर खड़ा था तो एक बड़ी बेढंगी सी महिला आई, मुझसे उन्होंने एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस बता दिया उनको तरन्नुम में गा के। वो समझी कि मैं उन पर लाइन मार रहा हूँ। कैन यू बिलीव दिस, अपने गुंडे भाई को लेकर घर पे आ गई। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसका भाई बोलता कि बड़ी सिंपल सी बात है, अपनी बीवी को डिवोर्स हो, मेरी बहन से शादी करो। अरे हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जहां पे जुल्म पे जुल्म ढाया जा रहा है यार। आप पे क्या जुल्म ढा रहा है गॉड? अरे ऐसे ही एक छिछोरा लौंडा जो है वो
अंगूरी के पीछे पड़ गया है। What? ये कमीना वही है जो मुझे उस दिन भाभी जी के बेडरूम में मिला था।